जाति सूचक शब्द गाली गलौज एसडीएम ज्योति मौर्या का नया वीडियो वायरल मचा हड़कंप। अपने पति को छोड़कर और एसडीएम ज्योति मौर्या इन दोनों सोशल मीडिया पर तो खूब ट्रोल हो रहे हैं। इसी क्रम में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया कि इसमें तो महिला है वो पीएससी अधिकारी ज्योति मौर्या है। वीडियो में महिला कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती हुई दिखी, हालांकि ज्योति मौर्या ने इसे फेक वीडियो बताया है। उनके पति ने भी इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो किसका है, लेकिन इस वीडियो को ज्योति मौर्या का वीडियो बताकर बरेली के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जाति सूचक शब्दों का किया गया प्रयोग, इस वीडियो में महिला का चेहरा ब्लर किया गया है। इसमें दिखाया कि महिला फर्श पर बैठी हुई और अपने पति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ कह रही है। इस वीडियो में वह कहकर वायरल किया गया कि इसे जो महिला वो ज्योति मौर्या है। भीम आर्मी ने जताया है विरोध। वायरल वीडियो होने के बाद बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्योति मौर्या को लेकर खूब विरोध जताया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्योति मौर्या जो खुद एक पीएससी अधिकारी है, बावजूद इसके उन्होंने वाल्मीकि समाज के विरुद्ध जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो किसका है। पुलिस जांच के बाद ये बताएगी कि वीडियो ज्योति मौर्या का या किसी और महिला का है। आखिर क्यों ज्योति मौर्या इतना चर्चा में? यूपी के पंचायत राज विभाग के कार्य चतुर श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्या ने बरेली में तैनात पत्नी ज्योति मौर्या और उनके पति मनीष दुबे होमगार्ड कमांडर पर हत्या की साजिश रचाने का आरोप लगाया है। पीड़िता पति ने धूमनगढ़ थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी इसकी तहरीर दी है। बता दें कि साल 2015 में आलोक मौर्या की पत्नी का यूपी पीएससी परीक्षा में चयन हुआ। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति वर्तमान में बरेली के शुगर मिल के जीएम पद पर तैनात है। पीड़िता पति का आरोप है कि पीएससी अधिकारी का प्रेमी गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट पद पर तैनात है और इसी अधिकारी के साथ उसकी पत्नी का अवैध रिश्ता है। आलोक ज्योति की है जो दो जुड़वा बेटियाँ। आलोक मौर्या ने बताया कि 2010 में उनकी शादी वाराणसी में रहने वाली ज्योति मौर्या के साथ हुई थी। 2015 में उन्होंने जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया। पीड़ित पति का आरोप है कि 2020 में उसकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई और फिर उससे दूर होती चले गए। पीड़िता का आरोप है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही है। आपको क्या लगता है, ऐसे पत्नी को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।